hands down one of the best food experiences in Assam. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me, for I've loved and I have. आज हम लोग ताई फाके फूड ट्राई करने वाले हैं. ये एक बुद्धिस्ट गांव है और यहाँ पे सारे लोग बुद्धिस्ट हैं, तो खाना जो है तो वो बुद्धिस्ट वाला ही खाना रहता है और मॉन्क्स भी यही खाते हैं. नॉट दैट मच मीट, बट ये जो आपका वेजिटेबल में जितने भी डिशेज रहते हैं वो खाते हैं. और जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके खाने में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये चीज़ रहता है कि बहुत ज़्यादा बॉयल्ड और बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं. बहुत ही सिंपल तुपला भात खाओ 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 खाओ. हाँ, मैं वही पढ़ा था मैंने, खाओ. और इसका मोमोप लौकी को मोमोप बोलता है. अच्छा, लौकी को मोमोप. और ये बीन को हम लोग थो बोलता है. थो. और ये वाला वो चटनी है क्या? हाँ. इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये आपका ठोकियो. ठोकियो ठोकियो टम. ठोकियो टम. अच्छा अच्छा. और ये जो मिर्ची का चटनी. हाँ हाँ. तो दिस इज ट्रेडिशनल ताई फाके फूड. बहुत सारे चीजें हैं एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर दिस. ये चिकन बारबेक्यू पर आग पे जलाया हुआ और बहुत सारी चीजें. आई कैन नॉट वेट, लेट मी स्टार्ट. मुझे तो सबसे ज्यादा वो राइस ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. राइस इज स्टीम्ड राइस. हाँ. एंड इसको ऐसे पत्ते में स्टीम किया जाता है. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. हाँ, बहुत टाइम लेता है. और इसको ऐसे खोल के इसी में कोकोनट मिल्क का फ्लेवर आ रहा है. आई थिंक ये पत्ते से आ रहा होगा. शायद ये पत्ते से आ रहा है. भाई ने कुछ बोला, समझा नहीं कौन सा पत्ता है. केले का पत्ता नहीं है. अभी मैं दाल थोड़ा सा ट्राई करता हूँ. राइस इतना फ्रैग्रेंट है कि मैं बस राइस ही खा सकता हूँ. इतना ज़्यादा फ्रैग्रेंट है. राइस का जो टेक्सचर है ना उजा, बहुत ही मतलब सिल्की है. बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी लौकी का सब्जी है ये. हाँ, ये लौकी का सब्जी है. आई विल ट्राई लौकी. लौकी मेरे घर में जैसे मम्मी बनाती है वैसा लग रहा है. एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छा लग रहा है. बीन का सब्जी है, ये भी बॉइल्ड ही है. बॉइल्ड बीन विद कच्चा प्याज. हाँ. बहुत ही फ्रेश. बीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें से. ये डिश के लिए मैं बहुत एक्साइटेड. देखा भाई, ये चटनी, ये वो पत्ता और कोकोनट. पत्ता नहीं, उसके साथ पीनट. पत्ता और पीनट. वाओ, उड़िया पत्ता. हम लोग वाओ वाओ, वेरी टेस्टी यार. मतलब पीनट चटनी पर उसके साथ एक फ्लेवर, बहुत ही एक्सट्रीमली. हाँ, मतलब एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल है. हाँ, ये वाला पत्ता है. इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर. बहुत अच्छा लगा मुझे. वाह. और ये वाला एक इनका घर में एक सूप साग बनता है. साग को साग और आलू के साथ बॉइल्ड है. वाह, वो ठंडे में वार्म्थ देने वाला सूप था वो. वाओ. चिकन का भी डिश है, चिकन करी है. आई विल जस्ट हैव अ बिट ऑफ दैट विद राइस. वाओ, एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मतलब रोजा वेट कर रही है मैं. हाँ, मैं वेट कर रही हूँ कब वीडियो बनाना मैं खत्म करूंगी और कब मेरा टर्न आएगा. बस ये लास्ट है, ये थोड़ा मैं ट्राई कर लेता हूँ. ये ग्रिल्ड चिकन, ये मैंने थोड़ा खाया था. स्मोकी लग रहा है वो. एक्सट्रीमली फ्रेश एंड स्मोकी चिकन.
गाइस आई एम इन लव विद ताइफा के फूड. वाओ इसे इतना सिंपल से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. हाँ मतलब इतना सिंपल है येट वो घर का याद दिला दे रहा है मुझे कभी कभी. मतलब कुछ कुछ डिशे मुझे पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं. और इतना सिंपल है ये आलू का साथ जो साग का बॉयल है वो सूप जैसा फ्लेवर सूप जो है वो चिकन इतना सिंपल है और ये जो स्मोकी फ्लेवर इससे आ रहा है माइंड ब्लोइंग. और राइस वाओ हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट फूड एक्सपीरियंसेस इन आसाम. नॉट एक्सपेक्टेड टू टेस्ट दिस गुड. मतलब एक सोल सेटिस्फाइंग फूड होता है ना वैसा लग रहा है. ईच एंड एवरी डिश हैज ए वेरी डिफरेंट टेस्ट. मतलब दिख रहा है कि कुछ भी टेस्ट कैसा होगा बट इतना डिफरेंट टेस्ट है उसमें. और ये राइस तो मतलब आई एम ए फैन ऑफ दिस राइस. क्या राइस टेस्ट दे रहा है वहाँ. उसमें कोकोनट नहीं डाला है. कोकोनट नहीं डाला है उन्होंने बोला. सो दिस इज बेसिकली जस्ट राइस. ये पत्ते से वो फ्लेवर आ रहा है. वाओ खाना अगर नहीं खाते यहाँ पे सो वी कुड नॉट हैव नोन कि कितना सिंपल भी खाना हो सकता है येट लाइफ चेंजिंग भी लग सकता है. इट वॉज फुल्ली ऑर्गेनिक एंड द टेस्ट वॉज कमिंग फ्रॉम द फ्रेशनेस ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स. लिटरली कुछ मसाला कुछ भी नहीं था वहाँ पे आउट. मतलब हाथ में ऑयल कुछ है ही नहीं. ड्रॉप भी नहीं है. चिकन जो रोस्ट हुआ था बस चिकन और नमक. वाओ क्या लग रहा था. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. एंड दिस वॉज अस ट्राइंग द ताइफा के फूड या बुद्धिस्ट विलेज जो है यहाँ पे जो लोग बुद्धिस्ट लोग क्या खाते हैं वो खा के थोड़ा जानने का कोशिश किया. वेरी हॉस्पिटेबल वेरी फ्लेवरफुल एंड सोल सेटिस्फाइंग फूड एक्सपीरियंस इन आसाम.